नेहरू जी ने के विषय में प्रख्यात शायर मजरू सुल्तानपुरी ने एक आर्टिकल लिख दिया था कि उनकी कार्यशैली में हिटलर की झलक दिखती है, और उसके बाद सभापति महोदय 2 साल जेल में रहे। और यहां मोदी जी के समय में हिटलर की मौत, मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदेगी जैसी बात कहने वाले लोग तो छोड़िए, जिन्होंने बोटी बोटी की बात कही थी वो सम्मानित सदस्य होकर अगले सदन में आ गए, और इसके बावजूद किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं मानता हूं कोई तुलना नहीं है मोदी जी और नेहरू जी की, दोनों की अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर है। और एक मैं बात और कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कितने देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, इसमें भूटान, फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, रूस और मालदीव। और मेरे विरोधी विशेष रूप से सुने, इसके अतिरिक्त तमाम मुस्लिम देश, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, अफगानिस्तान और विशेषकर ध्यान दें फिलिस्तीन, इतने देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया, जो भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला। और प्रधानमंत्री जी ने किसको सर्वोच्च सम्मान दिया, हमने भारत के, हमारी सरकार ने और सरकार की बनाई समिति ने सिर्फ हमारे नेताओं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं दिया, हमने कांग्रेस के भी नेताओं को सम्मान दिया। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को भारत रत्न मिला, मदन मोहन मालवीय जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, प्रणब मुखर्जी जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, पीवी नरसिम्हा राव जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, हमारी पार्टी के नहीं थे परंतु कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, और कांग्रेस के नेता SC जमीर और तरुण गोगोई जी को पद्म अवार्ड मिला। दूसरी तरफ नेहरू जी ने क्या किया, न किसी से अवार्ड मिला। अरे भाई, दूसरी पार्टी छोड़िए, अपनी पार्टी के सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर को भी नहीं दिया, उन्होंने अपनी सरकार से खुद को भारत रत्न ले लिया। यानी एक मोदी जी जिन्होंने सबको भारत रत्न दिया और एक उनकी सरकार जिसमें खुद को भारत रत्न मिल गया। तो मैं मानता हूं नेहरू जी और मोदी जी में कोई तुलना नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मोदी जी नेहरू जी की तुलना में एक अतुलनीय प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने यह अतुलनीय उपलब्धि हासिल की है।